तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा नहीं है और मैं वीडियो में इसे साबित करने जा रहा हूँ। तमिल निस्संदेह दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है जिसमें समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हालांकि अब इसकी प्राचीनता संस्कृत के साथ करते समय गलत फहमियों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ दावे तमिल को सबसे पुरानी भाषा बताते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य संस्कृत को पुरानी मानते हैं। तमिल की उत्पत्ति का सामना करते हुए हम संगम साहित्य से मिलते हैं जो 400 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच का है, जो एक महत्वपूर्ण साहित्यिक अवधि को चिह्नित करता है। यह उल्लेखनीय है कि संगम शब्द स्वयं संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है संघ। प्रारंभिक तमिल शिलालेख पुरुंतल शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, फिर भी सुमेरियन और मिस्रवासी जैसी सभ्यताएं इससे पहले की हैं, जो सापेक्ष समय रेखाओं पर जोर देती हैं। भाषा के गर्व को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बेंगलुरु में जहां भाषा का एक विशेष महत्व है। हालांकि ऐतिहासिक गलतियों को बनाए रखना उचित नहीं है। संस्कृत जो लगभग 3000 ईसा पूर्व की है का गहरा ऐतिहासिक महत्व है, जो रामायण जैसे ग्रंथों में भी स्पष्ट है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी द्रविड़ के राजा मनु के मत्स्य काल के संदर्भ में संस्कृत और उत्तर तमिल को प्रमुख भाषा के रूप में बताया गया है। इसी प्रकार सातवाहन काल के दौरान संस्कृत और प्राकृत को राजाओं द्वारा प्राथमिकता दी जाती थी, जैसा कि दक्षिण भारत में पाए गए ब्राह्मी शिलालेखों से स्पष्ट होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि 322 से 180 ईसा पूर्व तक फैले मौर्य साम्राज्य ने एक छोटे तमिल राज्य को स्वीकार किया जिसे वे जीतने में असमर्थ थे, जो प्राचीनता के बजाय संगम काल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सबसे पुराना तमिल राज्य चोल ने संस्कृत नाम जैसे राजेंद्र आदित्य विजयालय के साथ साथ राज्य के नाम जैसे चोल पांड्य राष्ट्रकूट और पल्लव को अपनाया। यह साबित करता है कि तमिल की प्राचीन जड़ें हैं। यह संस्कृत जितनी प्राचीन नहीं हो सकती, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि तमिल एकमात्र प्राचीन भाषा है जो आज भी बोली जाती है। इसके इतिहास में उल्लेखनीय निरंतरता पर जोर देना चाहिए, जो एक विशेषता है जिसे संस्कृत दावा नहीं कर सकती। स्वस्थ